तुम्ही केंद्रीय नेत्यांना निर्लज्ज म्हणता, त्याच्यावर ऑफेन्स का नाही दाखवलो? तुम्ही लाथा घाला म्हणता, त्याच्यावर ऑफेन्स का नाही दाखवलो? कोणी चौकीदार चोर आहे म्हणता, त्याच्यावर ऑफेन्स का नाही दाखवलो? ही जी काही दुटप्पी भूमिका आहे ना, ही योग्य नाही आहे. भूमिका एक राहिली पाहिजे. आमचं तर आम्ही बोलतच नाही, आमच्या विरुद्ध, आमच्या परिवाराच्या विरुद्ध, आमच्या कुटुंबाच्या विरुद्ध, आमच्या पत्नीच्या विरुद्ध तुम्ही काय काय केलं ते आमचा वैयक्तिक मामला आहे, आम्ही त्याला सक्षम आहोत. त्यामुळे तो माझा प्रश्नच नाही आहे. पण केवळ एवढंच सांगतो की दुटप्पी भूमिका असू नये, भूमिका एक असली पाहिजे. पुन्हा एकदा या ठिकाणी जी काही कारवाई चाललेली आहे ती कारवाई अयोग्य आहे असं स्पष्टपणे या ठिकाणी मी सांगतो. केंद्रीय मंत्री श्री नारायण रावजी राणे इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की हम उसका समर्थन नहीं करते. मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है. किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए. किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी. भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी. मुझे आश्चर्य लगता है, शर्जिल उस्मानी नाम का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में आकर भारत माता को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है, और महाराष्ट्र की पुलिस अव्वल तो उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं करती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के वक्तव्य के बाद दो दो जगह एफआईआर दाखिल होते, टीम निकलती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं कि इनको पकड़ा जाए, कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए. पुलिस कमिश्नर साहब को कानून पता है देश का, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जिसको कॉग्निजेबल बनाने का आपने प्रयास किया है उसमें भी आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने आईटी एक्ट में दिया है. कुल मिलाकर जिस प्रकार से पुलिस का बल इस्तेमाल करते हुए राणे जी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अव्वल तो कानूनन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, पर महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता, गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी. ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है, इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है. और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं. मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी. हम कानून हाथ में लेते नहीं है, हम रास्ते पर आकर राड़ा करने वाले लोग नहीं है. किंतु अगर हमारे कार्यालयों को टारगेट किया जाएगा और पुलिस देखती रहेगी तो हमारे कार्यालयों को संरक्षण देने के लिए हम सक्षम है. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.